Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to talk about how I scored an 8 in IELTS speaking and how you can do it too. तो मैंने पर्सनली अपना 15 डेज अहेड बुक करा लिया था, जिससे मेरे को एक टाइम फ्रेम मिल गया जिसमें मैंने इक्वली डिवाइड करके अपना टास्क कंप्लीट किया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास टाइम कम है एंड वो एक हायर बैंड स्कोर करना चाहते हैं एंड जो रोज 1 to 2 आवर्स ऑफ स्टडी दे सकते हैं। सो अगर देखा जाए तो IELTS स्पीकिंग टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लाइक थाउजेंड्स। कोई भी टॉपिक आप कहीं से भी उठाएंगे वो एक IELTS का स्पीकिंग टॉपिक बन सकता है, बट हमें इतने सारे टॉपिक्स की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास 10 to 15 मेन टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ, ट्रेवलिंग, फूड और मे बी फैमिली, एंड उन्हीं की बाइफर्केशन के अंदर अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करेंगे उन्हीं की बाइफर्केशन के अंदर बाकी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आपको 500-600 टॉपिक्स कवर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने 10 to 15 मेन टॉपिक्स जो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा वो कौन से हैं वो आप प्रिपेयर करें और आप टेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम देखेंगे कि हम पार्ट टू में हाई स्कोर कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें कि हम पार्ट टू में सारे चेकबॉक्सेस टिक करें जिससे एग्जामिनर को कोई भी मौका ना मिले हमारे कहीं पर भी नंबर काटने का। तो अगर हम देखें तो सिर्फ फ्लुएंसी एंड कोहरेंसी से काम नहीं चलेगा, आपकी प्रोनंसिएशन, आपका यूज ऑफ ईडियम्स, आपकी वोकेबलरी की रेंज, आपकी ग्रामेटिकल करेक्टनेस सब देखी जाती है, उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। आपको ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है और कितना पढ़ना है ये मैं आपको आगे जाके लैपटॉप के अंदर दिखाता हूँ कि मैंने अपना फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनाया था और मैंने अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया था और मैंने कितनी प्रैक्टिस करी थी। तो लेट्स गो। तो अब हम बात करेंगे मेरे स्टडी प्लान के बारे में और मैंने कैसे अपनी डॉक्यूमेंटेशन करी और मैंने किस किस सोर्स का यूज़ किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको वो ढूंढना ना पड़े और आपके लिए वो सब ईजी रहे। सो हम चलते हैं। जो फर्स्ट टास्क आपको करना है अपने किसी भी सेशन शुरू होने से पहले, वो आपको स्टार्टिंग में ही अपना फ़ोन लेके आना है, एक रैंडमली गूगल पे जाके क्यू कार्ड ढूंढना है IELTS स्पीकिंग का। जैसे टाइप करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा, कोई भी क्यू कार्ड वन सर्च अवे है वो, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक मिल जाएगा और आपको इमीजिएटली अपने फ़ोन पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हुए इस टॉपिक पे 2 मिनट लगातार बोलना है बिना रुके, चाहे आप अटकें चाहे आप कुछ भी करें और कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जितनी मर्जी मिस्टेक्स हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिए, ठीक है? तो जैसे आप उसको दोबारा सुनेंगे आपको इमीजिएटली अपनी सारी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी, आप जॉट डाउन कर लीजिए। तो जैसे ये मेरा फर्स्ट टास्क था तो मैंने उस दिन अपनी सारी मिस्टेक्स जॉट डाउन कर ली थी। आप देख सकते हो कि मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहा था, मैं अपने आपको बार बार रिपीट कर रहा था कि मेरे पास कोहरेंट आइडियाज़ नहीं थे, मेरे पास यूनिक आइडियाज़ नहीं थे, तो मैं अपने आपको बार बार रिपीट करता। इसके लिए भी मेरे पास एक टेक्निक है जो कि मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। और बार बार क्योंकि आइडियाज़ नहीं थे तो उससे जनरेट हो रहा था, तो वो बहुत ही बुरा लगता है जब हम एग्जामिनर के सामने बैठे होते हैं। तो चेंज ऑफ पेस का क्या मतलब है? चेंज ऑफ पेस का मतलब है कि एक बार तो जब मेरे दिमाग में आइडियाज़ थे एंड यूनिक आइडियाज़ जनरेट हो रहे थे तब तक तो मैंने अपनी सारी चीज़ें तेज़ बोल दी, पर जैसे ही वो आइडियाज़ ख़त्म हुए और मेरे को दिखा कि अभी भी 20-30 सेकेंड हैं और एग्जामिनर अभी भी बोल रहा है ही इज़ पॉइंटिंग एट अस टू लाइक से मोर एंड टेल मोर अबाउट द टॉपिक, तो तब मैं स्लो हो गया और वो चेंज ऑफ पेस का डिफरेंस आ गया। वो नहीं करना है, वो मेरे साथ फर्स्ट डे पे हो रहा था और आई वॉज सर्चिंग फॉर कंटेंट, तो यू आर वेटिंग फॉर अराउंड 5-6 seconds एंड दैट गिव्स अ रियली बैड इंप्रेशन। और वोकैब यूज वॉज वेरी सिंपल, तो आपको अपनी वोकेबलरी की रेंज दिखानी है, आपको मल्टीपल सिनोनिम्स एक वर्ड के पता होने चाहिए ताकि आपकी एक रिस्ट्रिक्टेड वोकेबलरी ना हो, आपने जो एक वर्ड यूज़ कर दिया तो आपको उसका यूज़ दोबारा ना करना पड़े। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपको ईजीली जब आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनेंगे अपनी वॉइस को खुद एनालाइज करेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगी ये मिस्टेक्स। तो आपको ये करना है, ठीक है? सेकेंड थिंग जो करनी है आपको इमीजिएटली अपनी वॉइस को सेकेंड रिकॉर्ड करना है और 2 मिनट सेम टॉपिक पे बोलना। इससे क्या होगा कि आपको 5 to 10 minutes मिल गए, आपके दिमाग में और आइडियाज़ आएंगे और आप उन मिस्टेक्स को हटा सकते हैं। ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 1 mistake जो आपने यहाँ पर करी थी वो रिमूव हो जाए आपके सेकेंड टर्न में ही। लेट्स एनालाइज वन ऑफ माई टास्क। सो दिस इज माई स्पीकिंग टास्क 7। सो इसमें मेरे को क्यू कार्ड मिला कि डिस्क्राइब अ टाइम ड्यूरिंग योर एजुकेशन दैट यू रियली एंजॉयड, यू शुड से। और आपको क्यू कार्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दीज आर हिंट पॉइंट्स फॉर यू, आप इन्हें फॉलो करें या ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट दीज आर फॉर योर हेल्प एंड यू कैन यूज़ देम, बट देर इज़ नो नेगेटिव यू डोंट यूज़ देम। सो आपको 1 मिनट मिलेगा तो आपको जो बेस्ट टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है PPF। वट इज़ PPF? PPF इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। डजेंट मैटर कि वहाँ पर लिखा है अ टाइम, डजेंट मैटर वहाँ पर लिखा है अ मोमेंट, डजेंट मैटर वहाँ पर लिखा है अ स्टोरी, आप फिर भी 3 stories सुना सकते हैं। एंड ऑलरेडी बहुत सारे इसके प्रूफ हैं ऑनलाइन कि आप एक की जगह 3 stories सुना रहे तो उससे फ़र्क नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे।
तो इसमें क्या होता है कि आप अपने 3 स्टोरी सुना सकते हैं, इससे आपको आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। तो जहाँ पर भी आप सर्चिंग फॉर कंटेंट, जो भी आपकी मिस्टेक हो रही थी कि यू आर सर्चिंग फॉर कंटेंट, यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ पॉजेज, यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ ब्रेक्स, यू डोंट हैव, यू आर रिपीटिंग योर सेंटेंसेज, ये सब मिस्टेक्स आपकी खत्म हो जाएंगे क्योंकि यू हैव नाउ 3 स्टोरीज एंड इवन इफ 1 स्टोरी एंड्स शॉर्ट यू कैन कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट स्टोरी। तो पीपीएफ में क्या करना है, आपको पास्ट के बारे में बताना है कि एक टाइम जब आप पहले बहुत खुश थे या आपको आप अपनी एजुकेशन में पसंद आया तो आप अपने स्कूल टाइम पे बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, और आपके पास 1 मिनट के अंदर आपके पास क्यू कार्ड के बाद बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप उसको मल्टी लेयर्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप अपनी पूरी स्टोरीज लिख के लिखने बैठ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि पॉइंटर्स बनाने हैं, सीधा पास्ट आप लिखे कहाँ की स्टोरी है और उसके 2-3 पॉइंट जो कि आप अपनी स्टोरी में मिडवे में कभी भी यूज़ करना चाहेंगे। सेकेंड स्टोरी प्रेजेंट, मैंने लिखा कॉलेज, फिर सेम है एनालाइज करना है, 2 मिनट रिकॉर्डर पे लगा के आप अपनी कंटिन्यूसली इस टॉपिक पे बात करें, आपकी मिस्टेक्स आएंगी बहुत सारी, उसको आप एनालाइज करें। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिससे आपका वो 7 बैंड से 7.5 बैंड या 8 बैंड या इवन 9 बैंड्स भी आ सकते हैं, दैट इज रिसर्च। डू द रिसर्च ऑन द क्यू कार्ड। आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी अमाउंट्स ऑफ टॉपिक्स हैं उनमें आपको क्या करना है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल आज आपने चूज़ करा है हेल्थ में स्टडी करना चाहता हूँ, आपने हेल्थ का क्यू कार्ड उठाया, उस क्यू कार्ड को जैसे मैंने अपने आपको पहले बताया कि आप अपना रिकॉर्डर पे वॉइस करिए, एनालाइज करिए, तो लास्ट स्टेप होगा आपका रिसर्च करना। तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन जाओगे जिन लोगों ने ऑलरेडी इन पे आंसर्स करे हुए हैं, ऑलरेडी अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उनके आप आंसर्स पढ़ो, एनालाइज करो कि क्या आप उनसे मैच कर पा रहे हो, क्या आप रेजोनेट कर पा रहे हो उनके आंसर से, और क्या आप याद कर पाओगे। आप देखो कि उन्होंने किस टाइप की चीज़ें यूज़ करी हैं, उन्होंने किस टाइप के आंसर्स बनाए हैं, फिर सबसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ करे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड आई थिंक यही मेरा बेस्ट स्टेप था कि मैं अपनी आईएलट्स बैंड को 8 को 6 को 7 और 8 पे पुश कर पाया हूँ कि मैं रिसर्च करी और मेरे को बहुत सारे ईडियम्स, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है वो डालता है कि आपकी वोकेबलरी की रेंज क्या है। और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप एक दिन में ऑलमोस्ट 2 टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। लाइक आपने यूज़ किया, आपने 2 मिनट पहले स्टार्टिंग में दे दिए और आपको अराउंड लगेंगे 3-4 मिनट उसको एनालाइज करने में, देन आपने 2 मिनट और दिए दोबारा अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने में, एंड लास्ट आपने इंटरनेट से सर्च करा, जो इसमें आपको 20 मिनट्स लगेंगे जिसमें आप प्रॉपरली सर्च कर रहे हैं, बट उसके में भी आपकी मैं हेल्प करने वाला हूँ जिससे आपका वो 20 मिनट्स भी अराउंड 10-15 मिनट्स में कट हो जाएंगे। सो आप एक दिन में 2 टॉपिक्स कवर करते हैं। अब हम आते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना चाहिए। इसमें अराउंड 20 टॉपिक्स है, आप 2 टॉपिक्स पर डे भी करेंगे तो आपके 20 टॉपिक्स 10 डेज में हो जाएंगे। और मैंने क्या करता था कि मैं इस वेबसाइट पे आया, मैंने फर्स्ट डे अपना खोला, हॉलीडेज पे गया, इन्होंने आपको जनरल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, पार्ट 2 का टास्क भी दे रखा है और यहाँ पर पार्ट 3 के एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और आप इन पे आंसर करिए। और बेस्ट बात क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वोकैबुलरी रेंजेस बताई गई है, ईडियम्स यूज़ करे गए हैं, डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करे गए हैं, और उन सब का आपको यहाँ पर डेफिनेशंस भी दी गई है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। एक क्यू कार्ड से अगर जब आप अपनी रिसर्च करोगे अपने आप को रिकॉर्ड करने के बाद और फिर आप यहाँ पर भी आके इस क्यू कार्ड को ट्राई करोगे तो आप, आई थिंक वो टॉपिक आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा, आपको उसमें दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफकोर्स आपको ईडियम्स रिवाइज करने पड़ेंगे, आपको हो सकता है कि आप न्यू हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करने में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने में, तो आपको वहाँ पर दोबारा आना पड़ेगा, तो वो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके बाकी 1 आवर में। 1 आवर में 30 मिनट्स में 1 टॉपिक कवर करें, 30 मिनट्स में अनदर टॉपिक कवर करें, आई थिंक बहुत होगा। और डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े अभी पीछे चल रहे हैं बाकी लोगों से, तो आप दिन में 3-4 आवर्स दिए और मे बी आप 10 डेज की जगह 20 डेज दीजिए, वो रहेगा बेस्ट। आप यहाँ पर किसी भी टॉपिक में जाइए, आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा, पार्ट 1 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पार्ट 2 का आपको एक क्यू कार्ड मिल जाएगा जिसका बेसिक आंसर दे रखा है। यहाँ पर इस साइड पे मोस्टली आपको सिंगल स्टोरी आंसर मिले हैं, बट आई थिंक मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा, आप इस पैराग्राफ को ही देख सकते हैं, अगर आप मैं इसको रीड करने बैठूंगा तो ये 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा कि आप 3 स्टोरीज ही बनाइए अपनी पीपीएफ टेक्निक के थ्रू। और आई थिंक पीपीएफ टेक्निक के लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं आपको कुछ यूनिक देना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी आपको पीपीएफ टेक्निक पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी ईडियम्स के लिए एक और साइट है, यहाँ पर द फ्री डिक्शनरी, आप यहाँ पर जा सकते हैं, कितने मर्जी ईडियम सर्च करिए। और बेस्ट आई थिंक मैं बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए, सीधा जाइए और सर्च करिए फूड ईडियम्स, जो भी आपकी फॉर एग्जांपल फूड ईडियम जो भी फर्स्ट साइट आए आप खोलिए, और फर्स्ट साइट के ऊपर आपको सारे मिल जाएंगे, आप जितने भी टाइप के डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। और आपने बहुत सारे सुने भी होंगे, कूल एज अ क्यूकम्बर, और मे बी लाइक बटर समवन अप, और ब्रेड एंड बटर, एप्पल ऑफ वन्स आई, बन इन द ओवन, आपने ये वाले बहुत सारे सुने भी होंगे। तो
आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी मेमोरी रिवाइज भी हो जाएगी। क्या पता आपको बहुत सारी चीज़ें आती हो बट आपको याद ना हो, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड आप अपने सेंटेंस में धीरे धीरे यूज़ करना शुरू करें आप बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सही जगह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेंटेंस यूज़ ऑफ सेंटेंस में भी देखिए कि सेंटेंस में यूज़ कैसे हो रहे हैं ये इडियम्स, वो भी ट्राई करिए। एंड आई थिंक आप रोज़ 2 to 3 hours देंगे 10 days के लिए, तो आप ईजिली आप अपना सब कुछ मास्टर कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, मैं इन सब चीज़ों के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर 20 मेन टॉपिक्स आपको सारे मिल जाएंगे। बस हमें फैक्टर्स भी दिख जाएंगे, इन फैक्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि फ्लुएंसी एंड कोहरेंस के अंदर आता है आपका स्पीक फ्लुएंटली। ये मैं आपको, ये इमेज भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको सब पता चल जाएगा। और लेक्सिकल रिसोर्स, आपका लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब ही आपका वोकेबलरी रेंज होती है, ये आपका वो देखेंगे, ग्रामेटिकल रेंज देखेंगे और आपकी एक्यूरेसी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं बट हमारी रेंज नहीं, हमारी एक्यूरेसी नहीं आती है, हमारी रेंज बढ़ जाती है बट हमारी एक्यूरेसी नहीं होती है। और लास्ट में प्रोनंसिएशन, की प्रोनंसिएशन क्या है, सो इसका वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको अपना एक्सेंट चेंज करना पड़ेगा, आपको अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट में बात करनी पड़ेगी, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। So yes, this was it. This was my way of how I scored an 8, and you can do it too.